प्रिय देश के युवा और युवाओं के धड़कन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ग्रामीण विकास विभाग और संसदीय कार्य मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब, माननीय मंत्री चंपा सोरेन साहब, माननीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझे जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग बन्ना गुप्ता जी, माननीय विधायकगण, कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त कमिश्नर डीआईजी साहब और इस प्रमंडल के सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षकगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों और इस समारोह में विभिन्न जिलों से आए सभी हमारे युवा एवं युवतियाँ और विभाग के हमारे विभागीय सचिव राजेश शर्मा साहब, श्रम आयुक्त बेसरा जी, सभी कौशल विकास विभाग के हमारे पदाधिकारीगण, आज बहुत खुशी का दिन है। एक तो प्राकृतिक बारिश है, दूसरा रोजगार की बारिश है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि झारखंड में जो हमारे युवा युवतियाँ जो मानव तस्कर के शिकार होना पड़ता है, जो दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जाना पड़ता है, वैसे युवा युवतियों को हम लोग कौशल प्रशिक्षण देकर हम अपने प्रदेश में रोजगार देने काम करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने 2021 नियोजन विधेयक 2021 पास किया और एक्ट बनाकर राज्य सरकार ने सख्ती से लागू कर रही है। हम 22 जुलाई 2022 को हम लोगों ने लगभग 10,000 युवा ज्योति मोराबादी ने भी हम लोगों ने ऑफर लेटर देने का काम किया। और ये प्रमंडल, ये तो अभी झांकी है, अभी हम लोग 4 प्रमंडल और बाकी हम लोग 50,000 युवा ज्योतियों को हम लोग रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इस बार सभी हमारे जितना युवा ज्योतियाँ हैं सभी को रोजगार के दिशा में सरकार बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए काम कर रही है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक मुख्यमंत्री सारथी योजना का प्रारंभ किया है। अभी राज्य के 80 प्रखंड में हम लोगों ने शुभारंभ किया है। यहाँ भी कई प्रखंड को चयन किया गया होगा और कई तरह का प्रशिक्षण है, 40 तरह का। आप 5वां पास से, 8वां पास से, 9 मैट्रिक, मैट्रिक, इंटर, बीए, जो भी आप अपना कला सीख सकते हैं, चाहे लैपटॉप सीखना हो, कोई चालक बनना चाहता है, कोई प्लम्बर मिस्त्री बनना चाहता है, किसी तरह का जो भी जिसका इच्छा है ट्रेनिंग प्राप्त करके। और हम लोगों ने रोजगार प्रमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर रोजगार मेला लगा करके, प्रखंड स्तर पर रोजगार मेला लगा करके हम लोग रोजगार से जोड़ने के काम राज्य सरकार कर रही है। कोविड-19 जैसे महामारी में हम लोगों ने जब को किसी व्यक्ति दूसरा से सटता नहीं था, उस समय भी हर एक प्रखंड में हम लोग कैंप लगा करके और उस समय भी हम लोग रोजगार देने का काम किया। अभी प्रत्येक जिला में रोजगार मेला भी लग रहा है, नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जा रहा है। अब प्रमंडल स्तर पर आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है। आने वाला समय में विभिन्न प्रमंडलों में हम लोग रोजगार के दिशा में बेहतर तरीके से काम करेंगे, क्योंकि झारखंड खनिज संपदा राज्य है। यहाँ ना धन का कमी है और ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मन का कमी है। सरकार चाहती है कि गैर सरकारी हो या सरकारी हो, सभी स्थानीय लोगों को रोजगार के दिशा में हम काम करें। और अभी जो हम लोग नियुक्ति पत्र देंगे उसके बाद जो योगदान करेंगे सभी का जो नाम पोर्टल पर रहेगा, कोई किसी तरह कठिनाई को दिक्कत है, कोई कहीं कंपनी काम के सैलरी नहीं मिल रहा है, तो आप हेल्पलाइन है वहाँ भी शिकायत कर सकते हैं। तो हमारे विभाग में कई तरह के योजनाएँ हैं जिसका लाभ लेने की जरूरत है। हमारे विभाग में ITI भी बंद था, उसको हमने चालू करने का काम किया, लगभग 465 ITI। और हमारे जो श्रम विभाग के पदाधिकारी हैं युवा युवतियों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, मैं इनको भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। और हमारे सरकार ने नियुक्ति के साथ साथ गांव, ग्राम, बुजुर्ग, दलित, महिला सभी के लिए विभिन्न प्रकार योजनाएं चल रही है। ने कह सकते हैं कि 3.5 वर्षों में जो आवश्यकता, जो जरूरी है, सभी के लाभ के लिए
योजना ये चलाई जा रही है, लाभ भी दे रहे हैं। हमको लगता है इस जिला में हमको तीसरा बार आने का मौका मिला माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से, और सभी जिलों में जाने का मौका मिला। यानी सरकार का आंधी नहीं तूफान है, हर जगह हर क्षेत्र में हर विभाग में हर समाज में सभी को लाभ मिल रहा है। और अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, हम लोग चाहते हैं कि जो जिन लोगों ने 17 बरस 18 बरस जो शासन किया और लोगों को लाभ नहीं दिया, विकास नहीं किया, ये हम लोगों ने 5 वर्षों में करके दिखाने काम करेंगे। क्योंकि सरकार चाहती है कि हम हर समाज हर तबके लोग जो गांव में अंतिम व्यक्ति है उसको लाभ मिले। तो समय कम है, मैं यही कहना चाहता हूँ अगर आप लोगों को लिए कि जीवन जीने के लिए कुछ खास होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बोलिए, जीवन जीने के लिए कुछ खास होना चाहिए और रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विश्वास होना चाहिए। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। एशफील्ड रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।